हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अफवाह तंत्र। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अफवाह तंत्र उसी को कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो बड़े बड़े नदियाँ हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, वो किस प्रकार जो है इंडिया से जो पानी आती है उसको कैसे ड्रेनेज करते हैं, कैसे जो बहा के दूसरे पाठों में ले जाते हैं। तो इसी जो विषय पे जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रवाह तंत्र जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ड्रेनेज, आपको पता है, अगर रेन होती है, बरसात होती है, पानी इकट्ठा होता है, तो इसको कहीं ना कहीं जाने का निकास तो बनाई ही गई है। और इसका आज अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ पर नाले के रूप में होती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, बड़े क्षेत्र की बात करें, तो उसमें जो है बड़े बड़े जो है नदियाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम बनती है। तो यही बात पर जो है यहाँ पर जो है बताया गया है, अफवाह तंत्र जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र के जल प्रवाह प्रणाली से है, यानी देखा जाए अफवाह तंत्र है किसी क्षेत्र के जल प्रवाह प्रणाली से है कि वहाँ पर जो है जल का किस प्रकार जो है कैसे निकलता है, कैसे आगे बढ़ता है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल के कौन सी नदियाँ जो है बहाकर ले जाती है, कौन सा क्षेत्र में कौन सा नदियाँ जो है पानी को बहा के ले जाती है, तो यही जो है अफवाह तंत्र कहलाता है। नदी अपना जल किसी दिशा में बहाकर समुद्र में जरूर ले जाती है, यानी जितने मर्जी पानी के बहाव हो, ये समुद्र से जाके मिलेगा ही मिलेगा। और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, कि भूतल का ढाल कैसा है, भौतिक संरचना कैसी है, और यहाँ पर जो है जल का जो है प्रवाह की मात्रा, जल का वेग कैसा है, यानी जल कितने प्रभाव से बह रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं। भारत में भूमि के जल को बहाकर ले जाने वाली छोटी बड़ी नदियाँ हैं। तो मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे नदियाँ हैं जो भारत में भूमि के जो जल आते हैं, जो रेन होती है, उनको बहा ले जाने के लिए छोटी बड़ी अनेक नदियाँ हैं। और भारत प्रवाह तंत्र दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसके अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। एक तो होगा उत्तरी भारत का प्रवाह तंत्र, और दूसरा जो होगा दक्षिण भारत का प्रवाह तंत्र। तो यहाँ पर जो है भारत के प्रवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी भारत का प्रवाह तंत्र और दूसरा है दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम पहले की बात करें तो उत्तरी भारत में अफवाह तंत्र, देखिए उत्तरी भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, हिमालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि हिमालय जो है वहीं से जो है ग्लेशियर पिघल पिघल के जो है पूरे भारत में जो है गंगा का रूप धारण करती है, यमुना का रूप धारण करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि हिमालय का जो है बड़ा महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियाँ का उद्गम हिमालय और उसके पार से ही है, यानी देखा जाए तो हिमालय को ही उद्गम स्थल माना गया है भारत में, यानी उत्तरी भारत के क्षेत्र में। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये तेज गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही है, यानी देखा जाए तो हिमालय से जो पानी की प्रवाह आती है बहुत तेजी से आती है, और ये धीरे धीरे जो है घाटियां काफी गहरी करती जा रही है, और अपरदन से जो है प्राप्त मिट्टी आदि को बहाकर यहां से ले जाती है। और मैदानी भाग में जल प्रभाव की गति जो है मद पड़ने पर मैदानों और समुद्र में जमा कर लेती है, यानी मैदानों और जो है समुद्र में ये जमा कर लेती है। क्या करती है? बहुत सारे गाड, और गाड का मतलब होता है मिट्टी। तो बहा अगर लेकर जाएगी तो मिट्टी भी उसके क्षेत्रों में जम जाएगी। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, तभी कहा जाता है कि उत्तरी विशाल मैदान जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए काफ़ी ये क्षेत्र जो है उपजाऊ होता है। और आपको पता है पंजाब को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादन क्षमता काफ़ी है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ जो है हिमालय से पहले विद्यमान थी, ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर जो है उठती गई, और ये नदियाँ अपनी घाटी के गहरा और गहरा काटती रही। कहते हिमालय के निर्माण से पहले भी बहुत सी नदी घाटी जो थी यहाँ पर बहती थी, और धीरे धीरे कटाव के कारण ये और भी गहरी होती चली गई, और इसके परिणाम स्वरूप इन नदियों में ने हिमालय के श्रेणियों में बहुत गहरी घाटी और महाखंड बना लिया। कहते हैं बूंजी जो जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी के महाखंड जो 5,200 मीटर गहरा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि बूजी जो है जम्मू कश्मीर में है
और इसकी जो गहराई है 5200 मीटर गहरा है। अगर इसी बात को अगर मैप में आप समझना चाहोगे तो आपके समक्ष जो है मैप प्रस्तुत है। देखिए भारत के प्रमुख नदियाँ अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो नदियाँ झेलम है, चिनाब है, नदी सतलुज, यहाँ पर आपको पता है पंजाब क्षेत्र में है। तो इसलिए पंजाब को पांच नदियों का समूह भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में पांच नदियाँ जो है बखूबी बहती है, इसीलिए ये क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ भी रहती है। अगर देखा जाए तो गंगा का भी आप क्षेत्र देख रहे होगे कि किस प्रकार जो हिमालय से इसका जो है उद्गम हुआ है और जो है वेस्ट बंगाल में जाके ये गिर रही कोलकाता के साथ होते हुए। ब्रह्मपुत्र भी आपको नज़र आ रहा होगा, महानदी भी आ रहा होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, बेताल, चंबल। तो ये काफ़ी जो एग्ज़ाम व्यू से मैप में डायरेक्शन दिखाने के लिए भी ये नदियाँ एग्ज़ामिनर का काफ़ी फेवरेट रहा है। तो आप इसके कारण आप जो है नदियों का भी जो है सही दिशा दिखा सकते हो। तो ये मैप काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है इस बात को समझने के लिए कि भारत की प्रमुख नदियाँ किस प्रकार बहती और इसका क्या अपना स्थान है। क्योंकि देखिएगा जिस क्षेत्र में नदियाँ हैं वो क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ माना जाता है और उपजाऊ भी है भी। उत्तरी भारत के प्रवाह तंत्र के तीन भाग होते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा अवाह तंत्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंधु, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अवाह तंत्र। कहते हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज नदियाँ जो है तट की प्रमुख नदियों में से माना जाता है। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज सिंधु नदी के प्रमुख तंत्र के नदियाँ हैं। और गंगा नदी तंत्र में जो है राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, अपनी दक्षिण सहायक नदियों सहित यमुना, सोन और जो है दामोदर नदी के प्रमुख स्थान है। कोसी नदी को तो आप जानती ही होगी जो बिहार को जो है हमेशा बाढ़ के प्रकोप में डाल देता है, और कोसी नदी के कारण ही जो है बिहार पूरी तरह से डूब भी जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है कि दामोदर नदी के प्रमुख ये स्थान है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र में दिवांग जो है लोहे तिप्ता और मेघना प्रमुख नदियाँ हैं। दिवांग और सोहेली जो है अरुणाचल प्रदेश में, तिस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, घना बांग्लादेश के उत्तर पूर्व में बहती है, जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपना स्थान भी रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है दक्षिण भारत का अवाह तंत्र। देखिए दक्षिण भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार है, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि दक्षिण भारत का जो है ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार का है। कहते हैं दक्षिण भारत जो है बहुत ही पुराना भूभाग है, दक्षिण भारत जो है काफ़ी पुराना भूभाग है, और इसलिए इसकी नदियां जो है वृद्ध अवस्था में है, यानी इसकी नदियों को वृद्ध अवस्था में देखा जा सकता है। और इस क्षेत्र की सभी नदियां अपने आधार तल पर जो है पहुंच गई है और अपनी जो है घाटी के लंबत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वृद्ध अवस्था की बात इसलिए कहा गया है कि ये नदियाँ तेज़ी से नहीं बहती है, ये बहुत ही स्लो मोशन में बहती है। जैसे वृद्ध लोग बहुत स्लो मोशन में चलते हैं, उसी प्रकार जो है नदियाँ जो है बहुत ही स्लो मोशन में आगे बहती है, इसलिए इसको वृद्ध अवस्था कहा गया है। और इसके पास इतना क्षमता नहीं है कि ये जो है अपने आप को गहरा कर सके। तो यही बात यहाँ दर्शाया गया कि अपनी घाटी को लंबत काटने की क्षमता लगभग इनको समाप्ति हो गई है। अब तो ये नदियाँ धीरे धीरे अपने किनारों के काट रही है, धीरे धीरे यानी बहती है और धीरे धीरे अपने किनारों को ये काट रही है, जैसे इसकी घाटियाँ चौड़ी होती जा रही है, और इसी के परिणाम स्वरूप इसके निचले भाग में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। यानी देखा जाए तो बाढ़ के पानी जो है इन क्षेत्र में बसने वाले देशों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसा विश्वास है कि हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्व की ओर हो गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं वो हर साल बाढ़ के प्रकोप में डूबे रहते हैं। कहते हैं नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर से सभी नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है। यानी देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सब नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ब्रश घाटियों से होकर गुजरती है और महानदी गोदावरी, कृष्णा, पिनार, प्लानलर्स और कावेरी जो है बेगाई दक्षिण भारत के अवाह तंत्र के प्रमुख नदियों में से माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। कहते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय के जो है उत्तरी भाग का ढाल जो है उत्तर की ओर है और अंततः विंध्याचल पर्वत से निकल कर कुछ नदियां जो है उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती है। इसमें जो है चंबल, सिंध, बेतावा, केन और सोन नदी प्रमुख है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर। देखिए हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, कहते जो नदियां हिमालय से निकलती है उसमें से अधिकतर जो है सदानीरा है और इसमें वर्ष भर जल बना रहता है। देखिए वर्ष भर जल बने रहने के कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है हिमालय के जो ग्लेशियर है साल भर पिघलता रहता है और पिघलने के कारण जो है ये नदियाँ जो है हमेशा भरी रहती है और ये चलती रहती है, क्योंकि शुष्क ऋतु में हिमाद्री में फैली हिमानियों की जल पिघल पिघल कर नदियों में बहता रहता है और इसी कारण से ये नदियाँ जो है बहुत तेज गति से बहती है। तभी आप समझ सकते हो कि इस नदियों कितना महत्वपूर्ण स्थान है। परिणाम स्वरूप सूखे के समय भी इसमें जल का प्रभाव बना रहता है, जब सूखा हर क्षेत्र बन जाता है, लेकिन इस नदियों में सूखापन का अभाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि ये जो है कहते हैं ग्लेशियर पिघला पिघला कर जो है नदियां में बहता रहता है, तो क्षेत्र अगर सूखा भी हो फिर भी इस नदियों में जो है पानी का प्रवाह बना रहता है। और इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर हम विपरीत देखें इसके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए इसको वृद्ध अवस्था में कहा गया है कि ये जो है वृद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र के जो नदियाँ हैं वो अभी यंग है और बहती रहती है हमेशा। वर्षा ऋतु में खूब पानी होता है जबकि लंबी शुष्क ऋतु में बहुत कम पानी रहती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता को बताया जा रहा है कि ये जो है वर्षा में खूब पानी भर जाती है और आपको पता है बाढ़ का कारण भी बनती है, जबकि लंबी शुष्क ऋतु जब आती है गर्मी का आता है तो यहाँ पानी बहुत ही कम हो जाती है और कहीं कहीं तो सूखे भी हो जाती है, यानी ये क्षेत्र जो है सूखा से ग्रसित भी हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत नदियों में अंतर। तो आप समझ गए हो कि हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाले हर नदी जो है बहुत तेज गति से बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के जो नदियाँ होती है वो बहुत ही धीमे गति से बहती है और ये जो है काफ़ी शुष्क रहती है और गर्मियों के टाइम जो है बिल्कुल ही पानी जो है सूखे के चपेट में आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, काफ़ी समझ वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों से वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, YouTube से लिंक को कॉपी करना है और WhatsApp स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चों को देखना होगा, जिनके सिलेबस में टॉपिक होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं होगा इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक बात आपके दिल में संतुष्टि रहेगा कि आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य कर लिया, ठीक ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कर लीजिएगा तभी जो है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और नोटिफिकेशन मिलने का मतलब ये होता है कि आपको एहसास रहेगा कि ये वीडियो किसके लिए है और क्या है, क्योंकि आप घर में बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आज के समय में बच्चे जो है अधूरा ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको पूरा सिलेबस का नॉलेज ही नहीं रहता। और तिरपान सेंटर इसी बात को जो है हमेशा कहता है कि हमेशा बच्चों को पूरी नॉलेज होना चाहिए, अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है आपको वीडियो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बात भी तिरपान जानता है, कोई भी अगर आप वीडियो को रिसर्च कीजिएगा तो वहाँ पर तिरपान सेंटर नज़र नहीं आता है, कोई दूसरा वीडियो ही नज़र आता है। और जो बच्चे तिरपान सेंटर के ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर इसको सब्सक्राइब करके चैनल को रखते हो तो आपको इसका होम पेज मिलेगा, और होम पेज पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर आपको आपके क्लास के रिगार्डिंग हर वीडियो जो है एक जो है फोल्डर में होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अब रह जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसी वीडियो का फ़ायदा उठाइए।